हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो ये 13th चैप्टर होगा इन्वायरमेंट क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्ट्स पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इन्वायरमेंट को लेकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, देन फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस को देखेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद एनजीटी एक्ट जो 2010 में आया था, एंड फाइनली वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले 12th चैप्टर इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वो देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट्स पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर बात करें द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फाउंड अमंग फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे भारतीय संविधान में जो वातावरण एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ प्रोविजंस है, प्रावधान है, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? फंडामेंटल राइट में भी मिलेंगे, DPSP के अंदर ही मिलेंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेंगे। तो ये तीनों चीज़ क्या होता है? पॉलिटी हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है, आपको पता होगा। सबसे पहले देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, ये आपको 7th शेड्यूल के अंदर, 7th शेड्यूल क्या बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बात करता है, कि सेंट्रल स्टेट्स के बीच में पावर के सेपरेशन के बारे में बात करता है। तो जो 7th शेड्यूल के हिसाब से जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स, ये आपको कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। कंकरेंट लिस्ट मतलब इस पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो 7th शेड्यूल में आपका कहाँ पे मेंशन है? कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं DPSP, DPSP की बात करें तो DPSP आर्टिकल 48A जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसमें ये कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उनको प्रयास करना है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे, और कंट्री के जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको सेफगार्ड करना है। आर्टिकल 48A है। फिर आर्टिकल 47 एंड 48 ऑल्सो कंसिडर द हेल्दी इन्वायरमेंट ऑल दो नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशन अबाउट द इन्वायरमेंट। 47 और 48 भी एक्सप्लिसिटली मैंशन नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में, लेकिन वो हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में इनडायरेक्टली बात करती है। तो आर्टिकल 48 डायरेक्टली है और 47 और 48 भी इनडायरेक्ट तरीके से हेल्थी इन्वायरमेंट की बात करती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसमें आर्टिकल 51A का G, ये क्या करता है? प्लेसेस अ ड्यूटी ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत की जो भी सिटीजन है, नागरिक है, उसके ऊपर ड्यूटी प्लेस करता है, ड्यूटी उस पर इम्प्लीमेंट करता है। क्या? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ये कहता है कि हमारे भारतीय नागरिक की एक ड्यूटी है कि जो भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनको प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और सभी लिविंग क्रिएचर के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? कंपैशन होना चाहिए, ठीक है। ये बात कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट्स में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21 ऑफ दिस पार्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट एक इम्प्लाइंड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। और पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इन देहरादून क्वेरिंग केस 1988 में, ठीक है। इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिव इन ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सुप्रीम कोर्ट वाया आर्टिकल 32, हाई कोर्ट वाया आर्टिकल 226 हैज फ्रीक्वेंटली एडमिटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट से संबंधित कोई अगर PIL भी दायर होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करती है, चाहे आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट में इन्वायरमेंट से संबंधित प्रोविजंस।
यहाँ पर देखा फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरीके से ड्यूटीज निर्धारित किया गया है देश के नागरिकों के लिए, और ये आपका हो गया डीपीएसपी। ठीक है, यहाँ सेवन शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इस एक्ट की बात करें तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिस्टेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो जो भी लिस्टेड स्पीशीज है, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उनकी रक्षा के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके साथ साथ एक इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारे देश में जो भी इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यह जो एक्ट था प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स के फॉर्मेशन का प्रोविजन रखा गया, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स की बात की गई, स्पेसिफाई देयर पावर्स, उनका पावर स्पेसिफाई किया गया एंड ड्यूटी स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साइट्स मेंबरशिप, तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, ये इंडिया को हेल्प किया टू बिकम अ पार्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इन 1976। तो 1976 जो साइट्स इंस्टीट्यूशन है उसके मेंबरशिप लेने में भी इंडिया को काफ़ी हेल्प किया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज की, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया इस एक्ट के बाद से। इस एक्ट से नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश किया गया, NBW। इसके अलावा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सब जो बॉडीज है, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट लाने के बाद ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर अगर बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश किए गए, नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया, कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया, कम्युनिटी रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया एंड टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट आता है, एक्ट आता है 2002 में, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में इस 2002 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसी के अमेंडमेंट से किया गया। ठीक है, अगर हम शेड्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग शेड्यूल्स में रखा गया है, विच गिव प्रोटेक्शन टू द स्पीशीज अलॉन्ग विद द प्रीवियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द ट्रेड एंड पेनाल्टीज फॉर हंटिंग द एनिमल्स इन द वाइल्ड। तो वाइल्ड में अगर हंटिंग को लेके या ट्रेड को लेके कोई प्रोविजंस करना है या उसको पनिशमेंट देना है, तो उसके लिए प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग शेड्यूल्स में रखा गया, ताकि अलग अलग लेवल ऑफ उसको प्रोटेक्शन मिल सके या एक अलग ट्रीटमेंट मिल सके डिपेंडिंग अपन द उस पर कितना खतरा है, थ्रेट है उस आधार पे। ठीक है, अर्लियर देर वेर सिक्स शेड्यूल्स, पहले छः शेड्यूल्स थे विच हैव बीन रिड्यूस्ड टू फोर, अब घटा के चार कर दिया गया आफ्टर द अमेंडमेंट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, 2022 में, इस 2022 वाले में क्या किया गया, छः से घटाकर चार कर दिया गया। ठीक है, शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। 1 में अगर बात करें, तो यहाँ पे एनिमल स्पीसीज होंगे दैट विल एंजॉय द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय करेंगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, जो शेड्यूल 2 होगा, सेकेंड होगा, वहाँ पे कौन से जानवर आएंगे, तो एनिमल स्पीसीज दैट विल सब्जेक्ट टू अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, जहाँ पे जाहिर सी बात है जो शेड्यूल फर्स्ट से कम उसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी वो एनिमल स्पीसीज यहाँ पे आएंगे। शेड्यूल 3 में आपको आएंगे प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, तो वैसे प्लांट स्पीसीज जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है वो आएंगे। फिर शेड्यूल 4 में कौन सा आएंगे, तो स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर साइट्स, जो साइट्स जो हमने देखा ऊपर में, तो इसके अंदर जो अलग अलग अपेंडिसेस में स्पीसीज आते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा शेड्यूल 4 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। 2022 में जो इस एक्ट को अमेंड किया गया, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया। पहला, साइट्स के साथ अलाइन करने की कोशिश की गई, जो अमेंडमेंट हुआ सीक्स टू इंक्रीज द स्पीशीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ and implemented sites through the addition of chapter 5B that provides for the regulation of internationally wildlife trade.
तो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक नया चैप्टर ऐड किया गया 5B, ठीक है। और इसका एम यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि जो साइट्स के प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ स्पीसीज को जो नंबर है अंडर प्रोटेक्शन उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स एज वर्मिन, तो बहुत सारे एनिमल्स सर्टेन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया गया। जो ओरिजिनल एक्ट था अंडर शेड्यूल 5 एंड द अमेंडेड एंड अमेंडमेंट बोथ यूज द टर्म वर्मिन। एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 कैन बी डिक्लेयर एज वर्मिन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो अगर जहरीला मतलब हो गया कि कोई भी जो शेड्यूल 2 में कोई भी वाइल्ड एनिमल स्पीशीज है उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो थ्रू एक नोटिफिकेशन उसको वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। वर्मिन मतलब क्या होता है, मीन्स वाइल्ड मैमल्स एंड बर्ड्स विच आर हार्मफुल टू क्रॉप्स फार्म एनिमल्स और विच कैरी डिजीज एंड दस कैन बी हंटेड। वर्मिन मतलब सिंपली हुआ वाइल्ड मैमल्स या बर्ड्स जो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, फार्म के लिए, एनिमल्स के लिए, या कोई बीमारी वो कैरी करते हैं और इसलिए उनको हंटिंग किया जा सकता है, जैसे कि कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, माइस एंड रैट्स वगैरह, ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या किया, परमिट्स द यूज ऑफ एलिमेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। तो कोई धार्मिक या किसी दूसरे पर्पस के लिए हाथियों के इस्तेमाल को परमिट कर दिया गया, ठीक है। पेनल्टी हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज फॉर जनरल एंड स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एनिमल्स वायलेशन। अगर जो स्पेशली प्रोटेक्टेड वायलेशन के लिए जो पेनल्टीज है उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो इन्वेजिव स्पीशीज थे, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मे बाई नोटिफिकेशन रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ट्रेड पोजेशन और प्रोलिफेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज विच पोज अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ में खतरा पैदा करने वाले कोई अगर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है तो उसको अगर रेगुलेट करने की बात होगी, चाहे उसको उसके इम्पोर्ट को रोकना होगा, ट्रेड को प्रोहिबिट करना होगा, पोजेशन या प्रोलिफेशन को रोकना होगा, तो भारत सरकार चाहती है चाहेगी तो बाई नोटिफिकेशन उसको कर सकती है। इसके अलावा इस एक्ट ने क्या किया, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को इंट्रस्ट किया टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन अ स्टेट, दे आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ से सेंचुरीज के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाया गया, ठीक है। जो अलग अलग बॉडीज बनाई गई अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002, तो ये था आपका ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के तहत जो बॉडीज बनाई गई उसको देखते हैं। तो एक था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, ठीक है। तो NBWL क्या हो गया, एक स्टैचुटरी बॉडी हो गया, क्योंकि इस एक्ट से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 5A द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 5A सेक्शन के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये एक एपेक्स बॉडी है टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, जो भी वाइल्ड लाइफ संबंधित मुद्दे होंगे इनको ये देखेगी, एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन एंड इन अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, मतलब जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके आसपास कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, तो ये इसको अप्रूव करेगी। अगर इसे बात करें कितने मेंबर्स होंगे, तो ये 47 मेंबर बोर्ड है बेसिकली, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, विच यूजुअली मीट्स वंस ए ईयर, जो साल में एक बार मिलती है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होंगे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। पावर की बात करें तो बोर्ड क्या है, ये एक एडवाइजरी इन नेचर है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, ठीक है। तो एडवाइजरी इन नेचर होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी कि पॉलिसी फ्रेम करना है या क्या मेजर्स लेने चाहिए कंट्री में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ द NBWL। तो बिना NBWL के अप्रूवल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या नेशनल पार्क हो गया, इसके बाउंड्रीज को अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसकी अगर बात करें तो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SBWL, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इसके चेयरपर्सन होंगे बोर्ड के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो बॉडी इस्टेब्लिश किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के तहत,
तो एक था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, ये क्या हो गया, स्टैचुटरी बॉडी हो गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। एस्टैब्लिश किया गया 2005 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। और ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, जो अमेंडमेंट इसका हुआ 2006 में, फॉर स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइन टू इट, ठीक है। जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे वो एनटीसीए के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनटीसीए के चेयरमैन कौन होंगे, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे। एंड जो और जो स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे ये क्या होंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए डिक्लेयर्स एन एरिया एज टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना होगा, तो एनटीसीए क्या करेगी, रिकमेंडेशन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एस्टैब्लिश किया गया, ये एक स्टैचुटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री, कंट्री में एक वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए ये किया गया। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एस्टैब्लिश किया गया। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसने क्या डेवलप किया, एक ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है टू गेट रियल टाइम डाटा इन ऑर्डर टू हेल्प एनालाइज ट्रेंड्स इन क्राइम, क्राइम में जो ट्रेंड हो रहा ट्रेंड है उसको एनालाइज करने के लिए, एक रियल टाइम डाटा कलेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। एंड डिवाइस इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। दिस सिस्टम हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज टू एनालाइज ट्रेंड्स, हेल्पिंग पुट इन प्रिवेंटिंग मेजर्स एज वेल एज फॉर सक्सेसफुली कैरिंग आउट ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन सेवा, कुर्मा, थंडरबर्ड, वायलेट, लेस्कनो, बर्बल, थंडर स्टॉम, लेस्कनो टू, ठीक है। अगर बात करें मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की बात करें तो एक है ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक क्या है, एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या है, एक वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है, वर्क करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेड पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। और ज्वाइंट प्रोग्राम है एक बेसिकली वाइल्ड लाइफ फंड WWF का और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन मैनेजर IUCN का। इसका एम क्या है कि जो ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में, ये थ्रेट ना हो उसके मतलब नेचर के लिए, ठीक है। ये 1976 में स्टैब्लिश किया गया था और इसने एक ग्लोबल नेटवर्क डेवलप किया है, एक रिसर्च ड्रिवन एंड एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कमिटेड टू डिलीवरिंग इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशंस को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैम्ब्रिज UK। ट्रैफिक इज गवर्न बाई ट्रैफिक कमेटी, एक ट्रैफिक कमेटी है बेसिकली, एक स्टीयरिंग ग्रुप है कंपोज ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रैफिक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन WWF एंड IUCN। जो ट्रैफिक है वो सर्व करता है एक इंटरनेशनल नेटवर्क के तौर पे, जिसमें आपको ट्रैफिक इंटरनेशनल है बेस्ड इन कैम्ब्रिज UK, और इसका ऑफिस आपको 5 कॉन्टिनेंट में दिख जाएगा। ट्रैफिक ऑल्सो वर्क इन क्लोज कॉपरेशन विद द सेक्रेटरीट ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, जबकि साइट्स हो गया तो साइट्स के सेक्रेटरीट के कॉपरेशन के साथ काम करती है। फिर एक बॉडी है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या है, ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, वैश्विक तौर पे इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ वेल्स के लिए काम करती है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेलिंग के बारे में बात करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कैम्ब्रिज UK में है, इंडिया इसका मेंबर है। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग साइंड इन वाशिंगटन DC इन 1946, ठीक है। कमीशन इंट्रोड्यूस्ड जीरो कैच लिमिट्स फॉर द कॉमर्शियल वेलिंग इन 1986, ठीक है। तो कमीशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीरो कैच लिमिट फॉर कमर्शियल वेलिंग इन 1986। IUCN की बात करें तो IUCN तो ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एक मेंबरशिप यूनियन है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएंगे। 1948 में क्रिएट किया गया था, ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर्स नीडेड टू सेफ गार्ड इट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज
ये वर्ल्ड्स मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट एक्ट हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002? अगर हम अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करें तो इससे क्या होता है, इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 विच रिकॉग्नाइजेस द सॉवरन राइट्स ऑफ स्टेट्स टू यूज देयर ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जो यूएन का कन्वेंशन था एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के तहत, जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हर राज्य का यह सॉवरन राइट है कि अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, तो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में भी एक्ट लाया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते क्या है, मतलब प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल्स, उसके डेरिवेटिव्स, ठीक, विथ एक्चुअल और पोटेंशियल यूज और वैल्यूज, बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। तो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल्स ये नहीं होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का एम क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, मैनेजिंग इट सस्टेनेबल यूज को मैनेज करना, एंड इनेबलिंग फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट, जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको शेयर करना, ठीक, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स के कारण या नॉलेज के कारण कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको लोकल कम्युनिटीज का शेयर करना, ठीक है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 था वो क्या करता है, रेगुलेट्स एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। इट स्पेसिफाइज डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस बाय फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंटिटीज। तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, एक डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि जो भी फॉरेन या डोमेस्टिक एंटिटीज हैं उसको जो बायोलॉजिकल रिसोर्स या ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सेस करने में जो रेगुलेशन की जरूरत होगी, तो ये एक्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इंप्लीमेंट किया गया थ्रू थ्री टायर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट NBA, एट द नेशनल लेवल पे आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट द स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट द लोकल लेवल और द पंचायत लेवल पे। तीन लेवल पे काम किया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पंचायत लेवल पे, ठीक है। कवरेज की बात करें तो फॉरेनर्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, बॉडी, कॉरपोरेट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन इट शेयर कैपिटल और मैनेजमेंट, ये सब कवर होंगे। बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो विद कंजर्वर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड होल्डर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ एसोसिएटेड नॉलेज इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि आप मॉनेटरी कंपनसेशन दे देंगे, ठीक है, या शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप बेनिफिट को शेयर कर सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया, रोका गया, मना किया गया विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो बिना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना आप कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एनी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टेनिंग एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अक्रिंग इंडिया फॉर इट्स रिसर्च और कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो रिसर्च या कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी अगर रिसोर्स आप ले रहे हैं तो आपको नहीं ले सकते बिना परमिशन के। इसके साथ साथ द ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च रिलेटिंग टू एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अक्रिंग इन और ऑप्टेन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आप कोई भी जो रिसर्च का रिजल्ट है, ठीक है, आप मान लीजिए कोई रिसर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं ऑन एनी इन्वेंशन बेस्ड ऑन द रिसर्च मेड ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर बायोलॉजिकल रिसोर्स पे कोई रिसर्च करते हैं तो उस पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ग्रीवांस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इसमें रखा गया कि एनी ग्रीवांसेस रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट शेयरिंग, कोई भी ग्रीवांस अगर आता है, शिकायत आता है कि बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित या ऑर्डर ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से संबंधित या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इस एक्ट के तहत, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, NGT में जाएगा, ठीक है। इस एक्ट से एग्जेम्पशन मिला है, छूट मिला है किसको, द एक्ट एक्सक्लूड्स इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट आर नॉर्मली ट्रेडेड एज कम्युनिटीज, जो नॉर्मली कम्युनिटीज़ के रूप में ट्रेड होते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्ट है ये एक्सक्लूड करते हैं यूजेस ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज एंड व्हेन दे आर यूज्ड इन
कोलेबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव लेके अगर इंडिया और किसी फॉरेन के बीच में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है तो वहाँ भी इस यूज़ को लेके एक्सक्लूड मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूज बाई कल्टिवेटर्स एंड ब्रीड्स, जैसे कि फार्मर्स, लाइव स्टॉक कीपर्स हो गए या बी कीपर्स हो गए, ट्रेडिशनल हीलर्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल वैद्स एंड हकीम, तो इनको भी छूट दे दिया गया। जो जो ट्रेडिशनल कल्टिवेटर्स थे तो उनको भी छूट दे दिया गया इस एक्ट से। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सेक्शन 37 के तहत, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी लोकल बॉडी से, वो नोटिफाई कर सकती है जो कुछ एरियाज़ को जिसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, उसको क्या कर सकती है, डिक्लेयर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर सकती है। जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है ये क्या वेल डिफाइंड एरियाज़ होगा जो कि यूनिक इकोलॉजिकली फ्रजाइल इकोसिस्टम होगा, यूनिक होगा और इकोलॉजिकली काफ़ी फ्रजाइल होगा, ठीक है, जैसे कि टेस्टियल हो सकता है, कोस्टल या इनलैंड वाटर एंड मराइन हो सकता है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो ये क्या करता है, परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। ऑल फॉरेन नेशनल रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द NBA फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बायोलॉजिकल रिसोर्स अगर ऑप्टेन करना है तो नेशनल बोर्ड बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की बात करें अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट, तो ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन मैटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। रेगुलेट्स कमर्शियल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज इन द स्टेट बाय इंडियंस एंड दिस हैज टू एक्सेप्शंस, ठीक है। पहला क्या कि वैद एंड हकीम जो है हु आर प्रैक्टिसिंग इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स, लोकल पीपल हु यूज द बायो रिसोर्स फॉर लोकल यूज, ठीक है, तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अंडर सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट, तो एक्ट के 41 के तहत क्या करेगा, मेंटेन्स डाटा अबाउट द लोकल वैद एंड प्रैक्टिशनर्स यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। प्रिपेयर एंड मेंटेन्स एंड वैलिडेट पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल, तो लोकल पीपल के साथ कंसल्ट करके एक आपको प्रिपेयर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को, ठीक है। अगर बात करें पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में, तो जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होगा इसका फोकस कहाँ पे होगा, फोकस होगा पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको रिकॉर्ड रखना, इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज को रिकॉर्ड रखना या प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करना। यह जो रजिस्टर होगा सेल्फ कंटेन कंप्रेहेंसिव इन्फॉर्मेशन होगा ऑन द अवेलेबिलिटी और नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स, लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसके अवेलेबिलिटी और नॉलेज पूरा उसका ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, ठीक है, उनका मेडिकल या एनी अदर यूज़ हो गया या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया उससे संबंधित, तो उसको पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा उस रजिस्टर में, ठीक है। जो बॉडीज़ एस्टैब्लिश की गई अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, एक तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, ये एस्टैब्लिश किया गया 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया जो परफॉर्म करता है फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में है। अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको जो भी NBA कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे, एक्स ऑफिसियो मतलब पहले से फिक्स होंगे, जो एक रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री को डीलिंग विद ट्राइबल अफेयर्स एंड 2 रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री डीलिंग विद एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, तो एक ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्ट्री से होंगे और 2 एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से होंगे, ये 3 एक्स ऑफिसियो मिनिस्टर होंगे। 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स और होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन बायोटेक्नोलॉजी ओशन डेवलपमेंट, ठीक है, 7 हो गए, 7 × 3 = 10 मेंबर आ गए एक्स ऑफिसियो। 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनमें से और या साइंटिस्ट हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है एक्सपीरियंस है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, एडवाइस करने का या रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इशूइंग गाइडलाइंस फॉर एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स करना,
ताकि जो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो इन अकॉर्डेंस विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी, बिल्कुल करेगी, इन द सिलेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। जो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस वाले एरिया को सिलेक्ट करना होगा, जिनको नोटिफाई करने की जरूरत होगी हेरिटेज साइट्स के रूप में, तो उसके लिए सिलेक्शन में हेल्प करेगी और मेजर सजेस्ट करेगी फर्दर मैनेजमेंट। फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स भी इस्टेब्लिश किया गया। ये इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन अकॉर्डेंस टू विथ सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के सेक्शन 22 के तहत राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इस्टेब्लिश करेगी। अगर इसके बात करें ढांचा की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी बहुत सारे मेम्बर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगे। एक चेयरपर्सन होंगे, नॉट मोर देन 5 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 से ज़्यादा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होंगे। इसके अलावा 5 से ज़्यादा और मेंबर्स नहीं होंगे जो एक्सपर्ट्स के बीच में से चुने गए होंगे, एक्सपर्ट्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल। मतलब 5 मेंबर होंगे आपको एक्स ऑफिशियो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और 5 हो गए आपके नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट बाई ग्रांटिंग अप्रूवल और अदरवाइज रिक्वेस्ट फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन और बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, तो एक रेगुलेट यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो बाय ग्रांटिंग अप्रूवल दिया जाएगा या अदरवाइज रिक्वेस्ट फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, या बायो सर्वे हो गया या बायो यूटिलाइजेशन हो गया या किसी भी बायोलॉजिकल रिसर्च बाय द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये सेक्शन 41 का जो एक्ट का जो सेक्शन 41 है उसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। हर लोकल बॉडी में आपको एक बीएमसी उसके अंदर एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को वो कंजर्व कर सके, सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट कर सके। ठीक है, और उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सके। अगर इसके बात करें स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 6 पर्सन से ज़्यादा नहीं होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे लोकल बॉडी की तरफ। ठीक है, जो जितने भी टोटल मेंबर होंगे बीएमसी के, उसमें से 1/3 से कम महिलाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 18% शुड बिलोंग टू द एससी एंड एसटी, और 18% से कम आपको एससी एसटी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द चेयरपर्सन जो होंगे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के, वो इलेक्ट किए जाएंगे, उनके मेंबर्स उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक मीटिंग में, जिस मीटिंग को चेयर कौन करेंगे, जो लोकल बॉडी के चेयरपर्सन होंगे वो उसका चेयरमैनशिप है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को तैयार करना इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल। अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव की, बायोफिन की बात करें, तो ये ग्लोबल प्रोग्राम है जो चलाया गया है UNDP के द्वारा। इसका एम क्या है कि कंट्रीज़ को हेल्प करना कि कैसे वो आइडेंटिफाई करें और मोबालाइज रिसोर्स मोबालाइज करें और पॉलिसी में हेल्प करना टू ब्रिज द गैप बिटवीन करेंट एंड नीडेड बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग अप्रोचेज। कैसे करंट और जो गैप है उसको कैसे गैप करना है, उसको फुलफिल करना है, उसमें हेल्प करेंगे। जो बायोफिन इज प्रेजेंट इन 41 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया है, और ये काम करती है गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, वल्नरेबल कम्युनिटीज एंड द प्राइवेट सेक्टर टू कैटलाइज इन्वेस्टमेंट इन नेचर। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं प्री कॉलोनियल एरा। तो यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज हैड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के ऊपर क्या था, एक ट्रेडिशनल राइट था लोकल कम्युनिटीज को उसके अपने एरिया में और इवन वाइडर रीजन में। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 आता है, जो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेट किया गया 1864 में, अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट बाई वेरियस लेजिस्लेशन। तो अलग अलग कानून बना के फॉरेस्ट के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। तो इसी में एक पहला कानून था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर किया टू डिक्लेयर एनी लैंड कवर्ड विद द ट्रीज एज अ गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड मेक रूल्स टू मैनेज इट। इस एक्ट के तहत एम्पावर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि किसी भी लैंड को जो ट्रीज से कवर है वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है और उस पर कानून बना सकती है, रूल बना सकती है टू मैनेज इट। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। इसमें जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक्वायर किया द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द वेस्ट लैंड, जितनी भी वेस्ट लैंड थे विच बाई डिफिनेशन इंक्लूडेड फॉरेस्ट भी आता है, सबको एक्वायर कर लिया
एंड इट वॉज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इमिनेंट डोमेन के आइडिया से दैट द रूलर ऑलवेज ऑन्स ऑन प्रॉपर्टी. ये आइडिया था कि रूलर ऑलवेज ऑन्स सही ऑल प्रॉपर्टी ऑन करता है, मालिक होता है. तो इस आइडिया के साथ सभी फॉरेस्ट पे, सभी वेस्टलैंड पे कब्जा कर लिया. और इस एक्ट ने क्लासिफाई किया फॉरेस्ट को थ्री पार्ट्स, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट. ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत इसको क्लासिफाई किया गया. फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आता है. ये इनेक्ट किया गया टू मेक फॉरेस्ट लॉज मोर इफेक्टिव बनाने के लिए बाय कंसोलिडेटिंग ऑल द प्रीवियस लॉज रिगार्डिंग फॉरेस्ट. तो जो भी पहले के जितने भी लॉज थे उनको एक साथ ला के कंसोलिडेट करके ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की. यहाँ पे आपको जो डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट था, एज एन एरिया इज डिफाइंड इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन किया गया. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर देर इफेक्टिव यूजेस फॉर द कॉलोनियल पर्पसेस. टू गिव द गवर्नमेंट द पावर, गवर्नमेंट को पावर देना था टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट के अलग अलग क्लास क्रिएट कर सके ताकि उसका इफेक्टिव यूज हो सके कॉलोनियल पर्पस के लिए. ठीक है, इसने क्या किया? टू डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट. तो अब किस फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर करना है, इसके लिए प्रोसीजर डिफाइन किया गया. ठीक है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, रिजर्व फॉरेस्ट है क्योंकि वो रिजर्व ही है. उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, फिर आप देखते हैं विलेज फॉरेस्ट. टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये आपको मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होंगे. क्या होंगे? मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होंगे. ठीक है, और ये आपको इसका गठन किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्टर्न विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो लोकल पीपल होंगे, लोकल पीपल और प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स फॉर द सेटलमेंट. जनरली जो लोकल पीपल होंगे उनको मनाही होगी इसमें यूज़ करने में, लेकिन स्पेशल केस में अगर परमिशन मिलता है तो उस केस में वो यूज़ कर सकते हैं. फिर अगर बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ये इम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट एनी लैंड, किसी भी लैंड को वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना सकते हैं. ओवर विच द गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का क्या होगा, प्रोप्राइटरी राइट होगा एंड द पावर टू इशू रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट. एंड पावर टू इशू रूल्स, उनका पावर आ जाएगा टू इशू द रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट. ठीक है, दिस पावर हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रीज. अब यह पावर का इस्तेमाल किया गया कि स्टेट के कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने में ट्रीज के ऊपर में, हुज टिम्बर फ्रूट्स और अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल. जिसका एक रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल होगा उसका यूज, उसका उसके पर कंट्रोल हो गया स्टेट का. ठीक है, फिर विलेज फॉरेस्ट होता है, दीज आर द वन इन विच स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स टू राइट्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, टू और ओवर एनी लैंड विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, तो विलेज फॉरेस्ट क्या होता है, ये वो फॉरेस्ट होगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी विलेज कम्युनिटी को राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब राइट दे सकती है. ठीक है, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट लेजिस्लेशन. कॉलोनियल फॉरेस्ट लेजिस्लेशन का क्या इम्पैक्ट रहा? पहला ये हुआ कि बैन ऑन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में बैन लग गया. फिर एक बात करें, फॉरेस्ट विलेज वेयर क्रिएटेड टू इंश्योर लेबर फॉर फॉरेस्ट्री ऑपरेशन. फॉरेस्ट्री ऑपरेशन के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, तो उसको इंश्योर करने के लिए फॉरेस्ट विलेज को इंश्योर किया, क्रिएट किया गया. वेर इन फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड था वॉज लीज फॉर एग्रीकल्चर टू हाउस होल्ड, वेयर लीज फॉर एग्रीकल्चर टू हाउस होल्ड इन रिटर्न फॉर कंपल्सरी लेबर. ठीक है, वेयर इन फॉरेस्ट लैंड इसको लीज कर दिया गया फॉर एग्रीकल्चर टू हाउस होल्ड, मोस्टली आदिवासी था, जो फॉरेस्ट लैंड था उसको लीज पे दे दिया गया एग्रीकल्चर के लिए हाउस होल्ड को, इन रिटर्न फॉर कंपल्सरी लेबर. उनके बदले में क्या लिया गया, भाई आप तुमको कंपल्सरी लेबर करना है, ठीक है, और आप तुम लोग यहाँ पे रहो एग्रीकल्चर करो. तो ये था फॉरेस्ट विलेज. सिंस फॉरेस्ट वेयर नाउ स्टेट प्रॉपर्टी, अब चूँकि फॉरेस्ट क्या था, एक राज्य की प्रॉपर्टी बन चुकी थी. ऑल एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज लिमिटेड, जितना भी यूज़ था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सेस था वो लिमिटेड हो चुका था, टेम्प्रोरी और चार्जेबल हो चुका था. एंड ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, और सिर्फ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के मर्सी पे था. दैट वॉज आर्म्ड विथ पुलिस पावर्स, इसके पास क्या होगा, पुलिस पावर्स होंगे. इवन वेयर एक्सेस वॉज परमिटेड, इवन जहाँ पे एक्सेस परमिटेड था
द लोकल कमिटीज हैड नो राइट टू मैनेज द फॉरेस्ट। ठीक है, लोकल कमिटी के पास ऐसा कुछ राइट नहीं था उसको मैनेज करने का। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया की बात करें तो गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट एरिया एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, फॉरेस्ट एरिया को एज अ स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। एंड पीपल हु हैड बीन लिविंग देयर फॉर जनरेशन सडनली बिकम इन कोचेस। सडनली क्या बन गया, इन कोचेस बन गया। ठीक है, फिर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉलोड द कॉलोनियल नेचर ऑफ स्टेट ओनरशिप द क्रिएशन ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स लेड टू द फोर्स्ड रीसेटलमेंट ऑफ कम्युनिटीज। उनको फोर्सफुली रीसेटल किया गया कम्युनिटीज़ को। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बने, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट टू रेगुलेट डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट्री यूज इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट्स फॉर टैपिंग द मिनरल रिसोर्सेज एंड दस कंजर्व द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो आया, तो ये एक्ट था जिसके तहत रेगुलेट करने की बात कही गई कि जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन होता है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजर्स इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट फॉर ट्रैपिंग द मिनरल रिसोर्सेज, उनको रेगुलेट करने की बात की गई और फिर फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कही गई। इस एक्ट के सेक्शन 2 में एक प्रोविज़न है कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नेसेसरी हो गया है बिफोर स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी दैट इशूज डायरेक्शन फॉर रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के लिए अगर कोई डायरेक्शन इशू किया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको पहले लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब डी रिजर्वेशन ऑफ एनी रिजर्व फॉरेस्ट करना है तब लेना पड़ेगा, या यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर्पज करना है तब आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा असाइनिंग फॉरेस्ट लैंड बाई वे ऑफ लीज और अदरवाइज टू एनी प्राइवेट पर्सन को दे रहे हैं या किसी अथॉरिटी को दे रहे हैं, कॉपरेशन एजेंसी को दे रहे हैं या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, नॉट ऑन्ड मैनेज और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, उस केस में परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। या क्लियर फेलिंग ऑफ नेचुरली ग्रोन ट्रीज को कर रहे हैं तब परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो ये क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कंस्टिट्यूट किया गया अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, ठीक है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आएगा। ठीक है, कंसिडर क्वेश्चंस ऑन द डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजर्स, जैसे कि माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हो गया, टाउनशिप हो गया, एंड एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ ग्रांटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, एडवाइजरी रोल है। फिर आता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू इंश्योर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। एक इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी इंश्योर करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैटेगोरिकल शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम कमर्शियल कंसर्न टू फोकस ऑन द इकोलॉजिकल रोल ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट ट्री कवर इन द कंट्री थ्रू मैसिव एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। फिर आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट डेवलिंग शेड्यूल ट्राइब्स। जो फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स थे उनको फॉरेस्ट लैंड के अंदर फॉरेस्ट राइट उसके उनके जो फॉरेस्ट के प्रति अधिकार थे उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे कुछ अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी थे उनको एक कहा गया कि भाई ठीक है इनका भी कुछ अधिकार है जंगल पे, ठीक है, जो जंगल में रह रहे बहुत बहुत पहले से। ठीक है, तो एप्लीकेबल फॉर द ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटीज हु हैव बीन रेसिडिंग इन द फॉरेस्ट लैंड फॉर 3 जनरेशन। 3 जनरेशन से रह रहे हैं, 75 ईयर्स से जो लोग रह रहे हैं उनका यह अधिकार होगा। प्रायर टू द 13th day of December 2005 प्राइमरली रिसाइडेड इन फॉरेस्ट लैंड, जो आपको फॉरेस्ट लैंड में रिसाइड कर रहे हैं 13 दिसंबर 2005 से पहले, तो उनका यह अधिकार बन जाएगा। अब उसमें कुछ दिया गया, एक दिया गया इंडिविजुअल राइट्स, कुछ दिया गया कम्युनिटी राइट्स। जो इंडिविजुअल राइट्स था इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल राइट्स टू कल्टीवेट लैंड इन द फॉरेस्टेड एरियाज। तो फॉरेस्टेड एरियाज में लैंड्स को कल्टीवेट करने का राइट दिया गया और हैबिटेशन एंड दस एड्रेसिंग द इशू ऑफ इंक्रोचमेंट। तो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट के इशू को एड्रेस करने की कोशिश की गई कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं फॉरेस्टेड एरिया में वहाँ पर लैंड कल्टीवेट का राइट मिल गया उनको। फिर जो कम्युनिटी राइट मिला कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में फॉरेस्ट लैंड में, जैसे ग्रेजिंग हो गया, फिशिंग हो गया, हैबिटेट राइट फॉर PVTG हो गया, या कम्युनिटी राइट हो गया टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है,
कम्युनिटी राइट्स ऑल्सो अलाउ द विलेजेस टू ऑन एंड इंटेलेक्ट, जो कम्युनिटी राइट होता है ये भी अलाउ करता है द विलेजेस को टू ऑन एंड कलेक्ट यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू इंक्लूडिंग बम्बू, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके उसको वो ऑन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फाइनली डिस्पोज भी कर सकते हैं, तो ये राइट दिया गया। इसके अलावा जो राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 शैल बी हेरिटेबल बट नॉट एलिनेबल और ट्रांसफरेबल। ये हेरिटेबल होगा मतलब पिता के बाद पुत्र के पास जाएगा लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं होगा, अपना हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिसाइडिंग अथॉरिटी की बात करें तो ग्राम सभा और द विलेज असेंबली उसको डिजिग्नेट किया गया एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में टू पास द रिजोल्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ टू बी रिकोगनाइज, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी राइट को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को रिकोगनाइज करना है तो उसका डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा, ग्राम सभा या द विलेज असेंबली होगी, ठीक है। अगर मैं बात करें नोडल एजेंसी की तो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। अगर बात करें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की तो एक्ट में क्या किया गया, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया फॉर इंटीग्रेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के साथ साथ जो लाइवलीहुड राइट है शेड्यूल ट्राइब का या दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवल्स का उनको इंटीग्रेट करने के बाद कहेंगे कि दोनों साथ चलेंगे, डेवलपमेंट भी होगा, उनका लाइवलीहुड भी चलेगा और कंजर्व भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है अपने नियमगिरी केस में, सुप्रीम कोर्ट इन नियमगिरी केस में कहते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते हैं ये कहते हुए कि दे एंजॉय वीटो पावर ओवर एनी प्रपोजल्स टू डाइवर्ट द फॉरेस्ट फॉर अदर पर्पस। अगर फॉरेस्ट को आप किसी दूसरे पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं तो जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं उनके पास क्या होगा, वीटो पावर है, ये उन्होंने कहा वीएम गिरी केस में। टाइप्स ऑफ राइट की बात करें तो एक है टाइटल राइट्स, इसके तहत जो गिवन आपको फॉरेस्ट डेवलर शेड्यूल ट्राइब्स है या अदर ट्राइब्स फॉरेस्ट डेवलर्स हैं इनके पास क्या है, राइट टू ऑनरशिप टू लैंड ऑफ लैंड फ्रेम्ड बाई ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डेवलर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक का उनके पास क्या है अधिकार है, विच ऑल्सो इंक्लूड द नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। यूज ऑफ राइट्स क्या हो गया, द राइट्स ऑफ द डेवलर्स एक्सटेंड टू द एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग एरियाज, ठीक है। फिर रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट भी होता है मतलब टू रिहेबिलिट इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन ऑफ और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, अगर इलीगल इविक्शन किया गया है या फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट किया गया है उस केस में रिहेबिलिट करने का भी राइट है। टू बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स की अगर बात करें तो राइट टू प्रोटेक्ट रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बिन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज, तो अधिकार है प्रोटेक्ट करने का, रीजनरेट करने का या कंजर्व करने का या मैनेज करने का किसी भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को जो ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये डिफाइन किया गया, यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिफाइन किया गया एज अ एरिया ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, तो एरिया है नेशनल पार्क और सेंचुरीज का वेयर इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली एंड एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसको वेयर इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली एंड एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है, दैट सच एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। टू नोटिफाई एस सी एच डब्ल्यू को नोटिफाई करने के लिए द एक्ट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट, एक्ट को चाहिए स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश दैट द प्रेजेंस ऑफ राइट होल्डर्स इन इज कॉजिंग इरिवर्सिबल डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। तो सी एच डब्ल्यू क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नोटिफाई करने के लिए इस एक्ट में क्या कहा गया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एस्टैब्लिश करे कि जो राइट होल्डर्स का प्रेजेंस है ना वो कुछ इरिवर्सिबल डैमेज कर रहा है वाइल्ड लाइफ को और जो उनका हैबिटेट है एंड जो उनका को एग्जिस्टेंस है बिटवीन राइट होल्डर्स एंड वाइल्ड लाइफ ये रीजनेबल ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपको ये एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, ठीक है। फिर कंपेंसेटरी एफोसिएशन फंड सी एफ एक्ट 2016 आता है, ये इनेक्ट किया गया टू मैनेज द फंड्स, फंड को मैनेज करने के लिए जो कलेक्ट किया गया था फॉर कंपेंसेटरी एफोसिएशन के लिए विच टिल देन वाज मैनेज बाय द एडहोक कंपेंसेटरी एफोसिएशन फंड मैनेजमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा था, ठीक है, एंड प्लानिंग अथॉरिटी कंपा के द्वारा, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एस्टैब्लिश किया गया अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कंपनी स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एस्टैब्लिश किया गया अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इच स्टेट,
ठीक है, दीज फंड्स विल बी रिसीव पेमेंट फॉर पेमेंट रिसीव किया जाएगा कंपनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, एन पी वी इज द इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, नेट जो आपका एन पी वी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, ये इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट का डिटर्मिनेशन ऑफ एन पी वी विल बी डेलीगेटेड टू एन एक्सपर्ट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट एज पर द रूल्स, जो 90% ऑफ सी एफ होगा मनी होगा वो दिया जाएगा स्टेट्स को, जो 10% बचेगा वो रहेगा सेंटर के पास। अगर इसके अथॉरिटीज की बात करें तो एस्टैब्लिश नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी एफोसिएशन फंड एस्टैब्लिश किया गया, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज टू मैनेज द फंड, फंड को मैनेज करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर इसको अथॉरिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया। फंड की यूज़ की बात करें तो क्या करेंगे, नाम ही एफोसिएशन लिखा हुआ है तो कंपनसेटरी एफोसिएशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज होगा उसको ट्रीट करना होगा, असिस्टेड नेचुरल जनरेशन को हेल्प मिलेगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, रिलोकेशन ऑफ विलेज हो गया, मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो गया, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हो जनरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मीन्स दैट एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड, जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाएगा फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर्पस, जैसे कि माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो जो यूजर एजेंसी होगी पेज फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट, प्लांट फॉरेस्ट को प्लांट करने के लिए पेमेंट करेगी ओवर एन इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, तो इक्वल एरिया जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको इक्वल एरिया प्लांटिंग करने का जो भी खर्च होगा वो पे करेगी, एंड वेन सच लैंड इज नॉट अवेलेबल, इस तरह का लैंड अवेलेबल नहीं है तो ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है उसको दोगुना ये दिया जाएगा। नॉन फॉरेस्ट पर्पस इंक्लूड्स यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और फॉर एनी पर्पस अदर देन रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022। अगर बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 की, तो ये जो रूल था फ्रेम किया गया अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन था दैट रेगुलेट्स डीफॉरेस्टेशन इन द कंट्री, जो कंट्री में पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें प्रोहिबिट किया गया था द फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट, जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको प्रोहिबिट किया गया था फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री यूज विदाउट प्रायर क्लियरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लियरेंस के आप इसको पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं ये कहा गया था। अगर हम क्लियरेंस प्रोसेस की बात करें तो पहला था कि आपको सीकिंग कंसेंट फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट्स राइट होल्डर्स एंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा लोकल जो फॉरेस्ट राइट होल्डर्स से उनसे और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज से लेना पड़ेगा। उसके बाद सेंटर इज एम्पावर्ड टू रिजेक्ट सच रिक्वेस्ट और अलाउ देम विथ लीगली बाइंडिंग कंडीशन, सेंटर क्या है उसके पास पावर है कि इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करे या अलाउ करे विथ लीगली बाइंडिंग कंडीशन। प्रोसेस कलमिनेट्स आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल फाइनल डाइवर्जन ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोसेस जो है कलमिनेट करता है फाइनली आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनल डाइवर्जन ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज कंसर्न्ड विच ऑथराइजेज यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर इंटेंडेड पर्सन, तो फाइनली जो है प्रोसेस खत्म हो जाएगा जब इशुएंस हो जाएगा फाइनल डाइवर्जन के बारे में इशू कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूटी के द्वारा और जिसमें यूज को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि फॉरेस्ट लैंड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, मतलब जो एफसी रूल था आपका 2022 वाला, इसमें डू नॉट रिक्वायर द कलेक्टर टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की कंसेंट लेना ये नहीं रिक्वायरमेंट था बिफोर द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव इट्स फाइनल अप्रूवल एंड विल देयर आफ्टर लीव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू पास एन ऑर्डर फॉर डी रिजर्वेशन और डाइवर्सन और असाइनमेंट। यहाँ पे एक बार यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब राज्य सरकार के पास पावर चला गया कि वो क्या करे, वो ऑर्डर पास कर सकती है फॉर डी रिजर्वेशन और डाइवर्सन, ठीक है। इट इज़ देन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट पर रह जाएगा कि वो क्या करना चाहती है, टू मेक श्योर दैट दिस क्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स आर सेटल्ड, ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपर्स का जो क्लेम है वो सेटल हो जाए, ये अब जिम्मेदारी हो जाएगी राज्य सरकार की। फिर अगर बात करें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की, दोज अप्लाइंग फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड, जो कोई अप्लाई कर रहे हैं कि हम फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है इन हिली और माउंटेनियस स्टेट विद अ ग्रीन कवर ऑफ ओवर
2/3 ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, या स्टेट यूटी विद अ फॉरेस्ट कवर ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज वुड बी एबल टू टेक अप कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन इन अदर स्टेट्स यूटीज वेयर कवर इज लेस देन 20%। तो जहाँ पे आप डाइवर्ट कर रहे हैं ठीक है, तो उसके बदले किसी ऐसे राज्य में जहाँ पे कवर 20% से कम है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेटरी पेड़ लगाना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें प्राइवेट प्लांटेशन की, तो न्यू गाइडलाइंस अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करते हैं टू यूज द लैंड फॉर प्लांटेशन विच कैन लीड टू मोनोकल्चर कल्टिवेशन, ठीक है। फिर देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। 2023 में भी एक अमेंडमेंट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। यह जो अमेंडमेंट था ब्रिंग्स चेंजेस इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2003 इन द फॉलोइंग मैनर्स। पहला, लैंड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, जो अमेंडमेंट किया गया इसमें क्लरिफाई किया गया कि जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980 है, ये अप्लीकेबल होगा सर्टन टाइप ऑफ लैंड पे, जैसे कि लैंड डिक्लेयर्ड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, जिस लैंड को फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई किया गया है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इन अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड आफ्टर द 1980 एक्ट, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है, उसी पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो दिस द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू लैंड चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट यूज ऑन और बिफोर December 12, 1996। तो December 12, 1996 को या उससे पहले अगर किसी लैंड को चेंज कर दिया गया है फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट यूज में, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चार्टर्ड द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द TN गोडवर्मन तिरुमुलकपट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टैचुटरीली रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट इंक्लूडिंग रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट होगा। इसके अलावा एन एरिया विच इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया, वो भी फॉरेस्ट है। इसके अलावा एनी फॉरेस्ट इज डिफाइंड इन अकॉर्डेंस विद डिक्शनरी सेंस में भी अगर है तो वो भी डिफाइंड है। दस द अमेंडमेंट डाइवर्ट अवे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट 1996 वर्डिक्स विच हैड इंश्योर्ड एवरी फॉरेस्ट गेट्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइवर्जन देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि जो नोटिफाई है वही फॉरेस्ट होगा, ठीक है। अगर बात करें एग्जेम्पशन की बात करें, तो इट ऑल्सो एग्जेम्प्ट सर्टन टाइप ऑफ लैंड, कुछ तरह के लैंड को एग्जेम्प्ट भी किया गया है फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट, जैसे कि लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर 100 किलोमीटर की दूरी तक लैंड को है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, LAC हो गया या LOC हो गया, जो जरूरत पड़ता है सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए, स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज के लिए एंड पब्लिक रोड्स टू हैबिटेशन के लिए, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड एग्जेम्पशन फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड प्रपोज टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कैंप बनाना होगा, ठीक है, फॉर पार्लियामेंट्री फोर्स या पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स अप टू 5 हेक्टेयर्स इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एफटीडी एरियाज, ठीक है। तो सिक्योरिटी से संबंधित जो भी एरियाज है वहाँ पर कहीं ना कहीं छूट दिया गया था। इसके अलावा लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड की बात कही गई, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से जब किसी भी फॉरेस्ट लैंड को असाइन कर रहा है किसी टू एनी एंटिटी इंक्लूडिंग दोज ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, किसी को फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहा है तो आपको लेना पड़ेगा परमिशन। जो ओरिजिनल एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है कुछ एक्टिविटीज़ को दैट कैन बी कैरिड आउट इन फॉरेस्ट, जैसे कि एस्टेब्लिशिंग चेक पोस्ट हो गया, फेंसिंग हो गया, ब्रिज हो गया। अमेंडमेंट ऑल्सो अलाउज रनिंग जूज, सफारीज, इको टूरिज्म फैसिलिटीज, सिल्वी कल्चर ऑपरेशन फॉर एनी अदर पर्पस स्पेसिफाइड फाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें, तो ये इनैक्ट किया गया 1986 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, इम्पावर करता है टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज चार्ज विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें, तो जो EPA आया था इसका रूट क्या था, UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन June 1972। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था, तो उसी के बाद से इंडिया में इसको इनैक्ट किया गया, ठीक है। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया गया EPA के तहत, वो किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है।
जी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था इशूड रिगार्डिंग ईपीएफ, एक कोस्टल रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, और एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल द पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स, जैसे कि जो उनको जरूरी लगेगा इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल्सो पावर दिया गया कि भाई वो नेशन वाइड प्रोग्राम चला सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रिवेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फिर ले डाउन स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं फॉर क्वालिटी एंड ऑफ इन्वायरमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट, फिर ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। एक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट 2010। तो जो एनजीटी था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक्ट सेट किया गया, सेट क्या किया इस एक्ट ने, एक स्पेशलाइज बॉडी एनजीटी को सेट किया है फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित कोई जो केसेस अराइज हो रहे थे तो उसके उसको जल्दी डिस्पोज करने के लिए एक एनजीटी स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो इंडिया क्या हो गया, थर्ड कंट्री हो गया वर्ल्ड में टू सेट अप स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाने वाला, वनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो। तो पहला डेवलपिंग कंट्री हो गया और दुनिया में तीसरा कंट्री हो गया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये पांच जोन में अवेलेबल है, एक नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में। तो प्रिंसिपल बेंच आपका नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में है, ईस्ट जोन कोलकाता में है, साउथ जोन चेन्नई में है, वेस्ट जोन पुणे में है। एनजीटी कौन अप्रोच कर सकता है, कोई भी पर्सन सीकिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट इन द लेजिस्लेशन मेंशन्ड इन द शेड्यूल वन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। तो क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत, ठीक है। फिर ये सब एक्ट है, इस एक्ट के तहत अगर वायलेशन होता है तो वह पहुँच सकते हैं कोई भी एनजीटी। जो डिसीजन होगा ट्राइबल का वो क्या होगा, बाइंडिंग इन नेचर होगा। ट्राइबल ऑर्डर्स आर इन्फोर्सेबल एज द पावर्स वेस्टेड आर सेम एज इन सिविल कोड, सिविल कोड का पावर है वही पावर है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर इसके बाद कंपोजिशन की बात करें, जो ट्रिब्यूनल है इसमें आपको एक चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, 5 साल का इनका टर्म होगा और ये एलिजिबल नहीं होंगे फॉर री अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो चेयरपर्सन होंगे ये अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विथ इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, सीजीआई से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। एक सिलेक्शन कमेटी होगी ये फॉर्म की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, बाकी जो जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट कमेटी है उनके अपॉइंटमेंट के लिए, और एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट मेंबर होंगे ट्रिब्यूनल में। और एनजीटी का पावर क्या है कि जुडिशियल ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, ठीक है। ये एक एपलेट जुडिशियल भी इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा ये रिलीफ ग्रांट भी कर सकता है, कंपनसेशन भी दे सकते हैं। अगर बात करें प्रोसीजर की, तो नॉट बाउंड बाय द लेड अंडर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से ये बाउंड नहीं है, बट ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से बाउंड है, ठीक है। नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ एविडेंस से भी बाउंड नहीं है ये, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पास करते टाइम ये क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूशन बेस्ड प्रिंसिपल, ठीक है। ये सब कुछ प्रिंसिपल है। तो एनजीटी को क्या है कि इसको इनको डिस्पोज करना है एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर इसको करना है, ठीक है। एनजीटी के पास पावर है कि अपना डिसीजन खुद रिव्यू भी कर सकता है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर डिसीजन अवार्ड ऑफ एनजीटी, अगर एनजीटी से ने कुछ फैसला किया उसके खिलाफ अगर अपील में जाना है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक वेटलैंड आपका क्या है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। तो इसने क्या किया, 2010 के वर्षन को रिप्लेस किया, ये नोटिफाई किया गया बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में टू कंजर्व मैनेज एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज। अगर बात करें वेटलैंड के डिफिनेशन का, तो एन एरिया ऑफ मार्स फेन पीट लैंड और वाटर, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल परमानेंट टेम्परेंट जो कुछ भी हो सबका सब आ जाएगा। ये ऑलरेडी देख चुके हैं वेटलैंड वगैरह हम पिछले वीडियोज़ में, ठीक है। बाकी सब है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज वेटलैंड मैनेजमेंट की बात करें, तो ये स्टेट को पावर देता है टू नॉट ओनली आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई वेटलैंड विद इन जुरिस्डिक्शन
बट ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज मना की गई उस पर भी वॉच रखना है। ठीक है, तो ये सब एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर से रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर खत्म होता है 13। ठीक है, ये था आपका कौन सा, एक्ट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दो चैप्टर और बचे हुए, एनर्जी सेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनर्जी सेक्टर और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।